गुड मॉर्निंग बच्चों, चलिए अब हम अपनी मैथ्स की पढ़ाई करते हैं। मैथ्स में मैं आपको ऐड सिखाई थी, छोटा छोटा ऐड सिखाई थी। आज मैं आपको 3 डिजिट का ऐड बनाने के लिए दे रही हूँ, जो कि बहुत आसान है। ऊपर नीचे मैंने नंबर को बिठा दिया है, अब आपको सिर्फ ऐड करना है। ठीक उसी तरह ऐड करना है जैसे ये 6 है और ये 1 है। तो मैंने आपको कैसे सिखाई थी 6 और 1 का ऐड करने के लिए, या तो आप उंगली पर ऐड कर सकते हैं और या तो आप कॉपी पर नंबर डाल के ऐड कर सकते हैं। जैसे ये 6 है और ये 1 है, 1 2 3 4 5 6 और फिर 1 तो 1। उसके बाद हमको ये एक साथ काउंटिंग करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो हमें यहाँ क्या लिखेंगे, क्या लिखना होगा, 7। इसके बाद है फिर 4 और 3, फिर भी हम यहाँ लकीर खींचेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3। अब एक साथ काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7। तो हमें यहाँ क्या लिखना है, 7। अब यहाँ है 2 और 2, अब हम ये दोनों को एक साथ लकीर खींचेंगे, 1 2 1 2, और एक साथ काउंटिंग करने पर 1 2 3 4। इस तरह से हमें ये सारे ऐड बनाने हैं बैठ के। दूसरा नंबर में होमवर्क में आपको मैं दे रही हूँ मैच द फ्लोइंग, इसको भी आप करेंगे। स्पेलिंग तो मैं लिखा दी हूँ आपको, 20 तक लिखा दी हूँ। आज मैं आपको दे रही हूँ ये स्पेलिंग के साथ ये नंबर मैच करने के लिए। जैसे ये ELEVEN क्या है, 11, इसको आपको मैच करने हैं ये नंबर के साथ। अब जैसे ये 10 और +4, इसको ऐड करने के बाद 10 + 4 क्या हो जाएगा, 14, 10 + 5 15, 10 + 1 11। तो 11 को 11 के साथ ऐसे मैच करेंगे, 13। तो इसमें जोड़ने के बाद हमको पता चलेगा जो 13 कौन है। जैसे 10 + 3 = 13, तो 13 को 13 से, 14 को 14 से, 15 को 15 से, 12 को 12 से। इस तरह से हमको नंबर के साथ ये स्पेलिंग मैच करना।